मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे DURCC के सदस्य ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और साथ ही व्यवस्थाओं को देखने के साथ साथ उत्तर रेलवे को अपनी रिपोर्ट भेजने की बात कही गई है। मुरादाबाद पहुंचे प्रोफेसर ओम प्रकाश अग्रवाल का ये कहना है कि वह रामपुर और मुरादाबाद के स्टेशन का निरीक्षण करने पहुँचे हैं, जहाँ पर कई कमियाँ मिली हैं जिसको लेकर रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे क्षेत्रीय रेल उपयोगिता परामर्शदात्री समिति के सदस्य प्रोफेसर प्रेम प्रकाश अग्रवाल ने निरीक्षण किया, साथ ही सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए एक रिपोर्ट भी तैयार की। ये रिपोर्ट रेल मुख्यालय को भेजी जाएगी, जहां पर सभी बातों को संकलित करने के साथ उनके समाधान करने की बात भी कही जाएगी। प्रोफेसर ओम प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि रामपुर और मुरादाबाद के 2 दिवसीय निरीक्षण पर वे यहाँ पहुंचे हैं, जहाँ पर निरीक्षण के दौरान जो कमियां हैं उनके सुधार के लिए प्रयास किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई के साथ स्टेशन पर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, फर्श टूटे हुए हैं और शौचालय भी ठीक नहीं है, जिसकी रिपोर्ट तैयार कर दी गई है। साथ ही स्टेशन पर जो वाईफाई है वह भी ठीक काम नहीं कर रहा। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जो रेल मुख्यालय को भेजी जाएगी। सिटी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लगातार हमारा प्रयास यही है कि हम रेलवे के यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करें और जो कमियां हैं उन्हें रेल प्रशासन के आला अधिकारियों को सूचित करें, जिससे उन समस्याओं का समाधान हो सके। आज आप यहां मुरादाबाद आए हैं आपने रेलवे स्टेशन पर, और मैं इस वक्त मेंबर एडवाइज़र ZRUCC नॉर्दर्न जोन से संबंधित हूं, और उसी सिलसिले में मैंने प्रोग्राम 6 और 7 तारीख का रामपुर और मुरादाबाद का बनाया था। कल मैंने रामपुर का निरीक्षण किया था और रेलवे के निरीक्षण के साथ साथ में कुछ हम महसूस कर रहे हैं, जो रामपुर नवाब का जो स्ट्रक्चर हमने साइडिंग वगैरह दे रखी है रेलवे की, उससे बहुत गंदगी हो रही है, बहुत टूटा फूटा पड़ा है, बहुत उससे इमेज ख़राब हो रही है। उस सिलसिले में हमने डिस्कस किया था सारे नूर महल के अंदर, 2:30 बजे उनको हमने टाइम दिया था मीटिंग का, उनसे बातचीत किया था, तो उन्होंने कहा था सर हम भी इस बात को पसंद करते हैं, लेकिन इस बात केस जो है वो कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसमें बहुत सारे दावेदार बन गए हैं, तो उसका जब तक रहना हो तो इस बारे में हम आपको कुछ नहीं कह सकते कि हम कब देंगे, कैसे देंगे, क्या चार्ज करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो अभी वी हैव टू वेट फॉर देट। इसके अलावा आज मैं सुबह रामपुर से जो है हमारे प्रयागराज और ऋषिकेश जो आती है उससे मैं आया हूँ, 11 बजे मैंने यहाँ मीटिंग रखी थी, तो इसमें जितने भी हमारे स्टेशन के डिवीज़न के अधिकारी हैं उन सब ने मीटिंग किया था, उनको मैंने उनसे अपेक्षित था मेरा कि मैं आप अपने सजेशंस और सुझाव और प्रपोजल्स जो इंटरेस्ट ऑफ यूज़र्स हों वो मैं चाहता हूं ताकि उसको हम देखकर इंप्लीमेंट कर सकें, तो उन्होंने कुछ अपने सुझाव दिए हैं। उन्होंने सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं भी महसूस कर रहा हूं, सारे लोग महसूस कर रहे हैं, जो यहां पर फुटओवर ब्रिज इधर आपका दिल्ली साइड की तरफ है उसको बंद कर रखा है, कोई अपना उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो उससे एक ही ब्रिज का जो वेस्टर्न साइड का है ईस्टर्न साइड का है टुवर्ड्स रुड़की उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें इतना लंबा डिस्टेंस है कि अगर जो आदमी पहले प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म आ रहा है और उसको ट्रेन पकड़नी है तो वो ट्रेन पकड़ नहीं सकता, वो गिर जाएगा और पहुंच नहीं सकता ट्रेन तक, उस बीच में ट्रेन चल जाएगी, तो इसमें काम चल रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी शायद हम इसको जल्दी से जल्दी इसको गर्डर वगैरह डाल के कर रहे हैं, इसको हम चालू कर देंगे ताकि आप 2-3 प्लेटफार्म से आप नंबर 1 पर भी आ सकते हैं पैसेंजर और जा भी सकते हैं और ट्रेन भी पकड़ सकते हैं। इसके बाद मैंने देखा है कि ओवरऑल जो स्थिति मैं देख रहा हूँ हर डिपार्टमेंट की, हर रूम की, हर वेटिंग रूम की, हर जगह सिविल इंजीनियरिंग वर्क बिल्कुल ख़राब है, दीवारें टूटी पड़ी हुई हैं, तमाम मॉइस्चर भरा पड़ा है, फर्श सारे टूटे पड़े हैं। अभी मैंने VIP रूम में मैं बैठा हूँ, VIP रूम के टॉयलेट की हालत है कि सारे टाइल्स टूटे पड़ी हैं, दीवारें टूटी पड़ी हैं, पुराने टेप से टूट कर रखे हैं, जो शर्म आती है हमको देखते हुए कि इस तरह के VIP लॉन्ज के अंदर इस तरीके का फिटिंग सेंट्री का लगा हुआ है, जो फैन ऊपर लगा हुआ है वो उसके अंदर दीवारें काली कर रखी हैं, उसने गंदगी फैला रखी है कि मैं समझ नहीं सकता कि हम जब अपने VIP रूम को ठीक नहीं रख सकेंगे तो हम हमारे स्टेशन के सारे और विभाग जो हैं उनके यहाँ की सफाई हम कैसे कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम लेडीज़ के लिए टॉयलेट्स वगैरह की है, जो हमारे ऑफिसर्स जो ड्यूटी में रहते हैं उसके बारे में सोचना कि कैसे इस तरह से उनको जो है प्रोवाइड, ये सारी रिपोर्ट जो है हम बनाने के बाद में अपना GM को भेजेंगे नॉर्दर्न जोन को, वो इस पर जो है अपना हमारे लेटर के साथ में हमारी कंप्लेंट के साथ में कंसर्न जितने भी जोन के जो अधिकारी हैं सीनियर मोस्ट
उन पर भेजेंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि सारे इसका समाधान करके सर को जो है प्रोफेसर साहब को मतलब कुल मिला के रामपुर और मुरादाबाद का जो आपका दौरा था उससे आप पूरी तरह संतुष्ट नहीं? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल संतुष्ट ना।